रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बड़ा फैसला, 2000 रुपए के नोट वापस लिए जाएंगे। 2000 रुपए के नए नोट अब नहीं छपेंगे। 2000 का नोट लीगल टेंडर रहेगा। 30 सितंबर 2023 तक वैध रहेंगे नोट। ये बड़ी जानकारी, ये बड़ी खबर आम लोगों के लिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये बड़ा फैसला लिया है कि अगर आपके पास 2000 रुपए का नोट है तो आपको 30 सितंबर 2023 से पहले वो बैंक में जमा कराना होगा, उसके बाद वो अमान्य हो जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, अमरीश पांडे। अमरीश, डिटेल्स बताइए, कब तक मान्य रहेगा ये नोट, क्या प्रोसेस रहेगा जमा कराने का, सारी चीजें। देखिए, आरबीआई की एक पॉलिसी होती है क्लीन नोट की पॉलिसी, और क्लीन नोट पॉलिसी के तहत आरबीआई ने ये 2000 के जो नोट हैं, करेंसी नोट, उनको अब बाजार से वापस लेने का निर्णय किया है। अब 2000 के नोट बाजार से वापस लेने की तारीख भी बताई है आरबीआई ने, 23 मई से 30 सितंबर के बीच। जिनके पास भी 2000 रुपए के नोट हैं वो नोट बदल सकेंगे बैंकों में जाकर, लेकिन ये जरूर कहा है कि जिनके पास नोट है और उसको रखना चाहते हैं तो नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे, यानी कि चलन से बाहर नहीं होंगे नोट। हालांकि जिनके पास बड़ी मात्रा में ये नोट है अगर वो बदलना चाहे तो बदल सकते हैं। दोबारा ये बता दिया जाए कि ये नोट की नई छपाई नहीं होगी, यानी कि नए नोट छापे नहीं जाएंगे, पुराने नोट बदलने की सुविधा दी गई है। 23 मई से 30 सितंबर तक नए पुराने नोट बदले जा सकेंगे। इसके अलावा जिनके पास नोट रखना चाहते हैं वो नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे, यानी कि वो नोट चलन से तो बाहर नहीं है लेकिन नए नोट नहीं छापे जाएंगे। ये आरबीआई ने अपनी क्लीन नोट पॉलिसी के तहत ये फैसला लिया है। अमरीश, क्या 30 सितंबर के बाद भी अगर कोई नोट रखना चाहता है 2000 का नोट तो वो मान्य होगा 30 सितंबर के बाद भी? जी बिल्कुल, 2000 जो कि उस तारीख से पहले, यानी कि आज की तारीख से पहले जो छपे हुए 2000 रुपए मूल्य के नोट हैं वो सारे लीगल टेंडर बने रहेंगे। जब तक आपके पास वो हैं तब तक आप उनको इन कैश कर सकते हैं, उनको चलन में रख सकते हैं या फिर किसी बैंक के जरिए उनको बदल सकते हैं। वो लीगल टेंडर तो बने रहेंगे, लेकिन अगर किसी के पास बड़ी मात्रा में है, अगर वो नहीं रखना चाहते हैं तो वो उसको बदल सकते हैं, लेकिन वो बदली जो होगी वो सिर्फ बैंकों के जरिए ही होगी, किसी को देकर नहीं होगी, क्योंकि जो भी इसको देने जाएगा उसके पास एक लिमिट है। एक दिन में मात्र 20,000 रुपए मूल्य के नोट ही बदले जा सकेंगे, उससे ज्यादा के नोट बदले नहीं जा सकेंगे। अगर उससे ज्यादा के नोट हैं तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ये करेंसी आपके पास कितनी बड़ी मात्रा में आई कहां। कुल मिलाकर सरकार ने ये स्टेप लिया है क्लीन नोट पॉलिसी के तहत, जिसमें एक बड़ा तर्क ये भी दिया जा रहा है कि इसके जरिए सरकार उन नोटों को निकालने की कोशिश कर रही है जो कि चलन में तो थे लेकिन बाजार में नहीं थे। तो सरकार की ये पॉलिसी क्लीन नोट पॉलिसी के तहत आरबीआई ने स्टेप उठाया है, लीगल टेंडर ये नोट बने रहे। अमरीश, आपने कहा कि 20,000 से ज्यादा नोट एक दिन में रकम लेकर अगर कोई बैंक जाता है तो इससे ज्यादा नहीं बदल सकते, इससे ज्यादा अगर बदलने जाते हैं तो आपको जवाब देना होगा फिर बैंक को। जी बिल्कुल, अभी भी ये प्रक्रिया है, जाहिर सी बात है कि अभी भी ये प्रक्रिया बदस्तूर जारी है कि अगर आपके पास ज्यादा पैसे होते तो आपको बैंक को ये स्पेसिफाई करना होता है कि ये पैसे इतने कैश में आपके पास कहाँ से आए हैं। और आरबीआई ने इन नोटों के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाई है, उसमें साफ ये कहा जा रहा है कि अगर आपके पास 20,000 रुपए से ज्यादा के नोट है तो उतना कैश आपके पास रखने की कोई वजह तो होगी, तो वो वजह आपको स्पष्ट करनी होगी और उसके बाद 2000 के नोट है आपके पास वो आप बदल सकेंगे। लेकिन ब्लैक मनी पर एक बड़ा वार इस फैसले को कहा जा सकता है, छोटा सा जवाब दीजिएगा। देखिए, ब्लैक मनी पर ये लगातार सरकार काम कर रही थी और ये जो स्टेप उठाया गया था उसमें भी यही कहा गया था कि ये ब्लैक मनी को कर्व करने के लिए और बड़ी मात्रा में ऐसा धन जो है निकल कर भी सामने आया था। अब ये बात हो रही थी कि धीरे धीरे 2000 के नोटों के जरिए होर्डिंग हो रही है नोटों की, तो वो करेंसी नोट्स को वापस से सरकार मार्केट में ला रही है। इस तरह से बदली करने पर एक और झटका जरूर लगेगा जो 2000 के नोटों के रूप में इस तरह के होर्डिंग कर रहे थे। ठीक है अमरीश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं, 2000 का नोट मान्य होगा, अगर आप रखना नहीं चाहते हैं तो आप बैंक में जाकर बदलवा सकते हैं और उसकी तारीख 23 मई से 30 सितंबर तक है, क्योंकि आरबीआई अब 2000 के नोट नए नहीं छापेगा। जो मार्केट में है अगर आप नहीं रखना चाहते तो आप बैंक में जाकर उनको बदलवा लीजिए, अगर रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लीगल टेंडर माना जाएगा।